आप में से कोई मोटा ताजा और तंदुरुस्त है, कोई सामान्य है तो कोई दुबला पतला, कोई दिखने में अप्पू जैसा है तो कोई सिंह या पहलवान। आखिर सबकी सेहत का राज क्या है, कहाँ से आती है सेहत? सेहत के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें सबसे ज़रूरी है हमारा खाना, हमारे भोज्य पदार्थ, वो खाना जो हम खाते हैं। तो आज चलो चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में इसी बात पर, अच्छी सेहत और हमारे भोज्य पदार्थ। दोस्तों, ये दौड़ती हुई कार, ये चलता हुआ पंपिंग सेट किसके बूते पर चल रहे हैं? ये इनको ये ताकत चलने की कहां से मिलती है? कार चलती है पेट्रोल से, तो पंपिंग सेट चलता है डीजल से। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। कभी कभी जब आप लंबे समय तक खेलते हो, बहुत ज़्यादा दौड़ते हो या फिर बहुत उछल कूद करते हो तो आप भी थक जाते हो। आपके शरीर को काम करने के लिए ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है जो आपको थक जाने के बाद दोबारा उछल कूद करने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए फिर दोबारा से आपको तरोताजा कर देती है? ये ताकत आपके शरीर को कहां से मिलती है? ये ताकत आपके शरीर को मिलती है भोजन से, उस भोज्य पदार्थ से जिसे आप खाते हैं, उसे शरीर पचाता है और फिर भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तमाम तरह के तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, मुख्यतः ये तीन तत्व मिलकर आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं, उसे रोगों से बचाते हैं, उसे काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को तीन तरह से लाभ पहुंचाते हैं। एक तो काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं, शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई मोटा ताजा होता है, कोई दुबला पतला होता है, जिसका भोजन बहुत अधिक समृद्ध होता है वो तंदुरुस्त होता है, जिसका भोजन थोड़ा सा खराब होता है, गड़बड़ होता है, जिसमें कुछ चीज़ों की कमी होती है, वो दुबले पतले होते हैं। और इसके अलावा भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को रोगों से भी बचाते हैं। तो इन भोज्य पदार्थों के बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम काम करने के लिए ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों की। काम करने के लिए जो पदार्थ हमें ऊर्जा देते हैं, जो भोज्य पदार्थ हमें ऊर्जा देते हैं, उनमें मुख्य हैं अनाज, जिसमें गेहूं, चावल, वसाएं यानी घी और ये मक्खन। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की उचित मात्रा होती है, इनमें चपाती, गुड़। वसाएं भी हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देती हैं, जिसमें घी, तेल, दूध, इस प्रकार की भोज्य पदार्थ प्रमुख हैं। इसके अलावा और भी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को बराबर ऊर्जा देते हैं, है तो ये वसाएं ही, जैसे कि मूंगफली, इसमें तेल होता है, इसमें वसा होती है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं। अंडा, अंडा प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। माना जाता है कि सबसे अच्छी प्रोटीन हमें अंडे से ही मिलती है। जो लोग अंडे का सेवन कर सकते हैं उन्हें इसका सेवन अपने भोजन में अवश्य करना चाहिए। ये बात तो मैंने करी उन पदार्थों की जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जिनकी वजह से आप थकते नहीं, थकते हैं तो उन पदार्थों की वजह से आप पुनः तरोताजा हो जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख था कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत ऊर्जा देता है, इसके अलावा वसाएं हैं जो आगे चल के कार्बोहाइड्रेट में बदल कर शरीर को ऊर्जा देती हैं, और प्रोटीन्स हैं जो शरीर को बनाने के साथ साथ हमारे शरीर को ऊर्जा भी देती हैं। अब आते हैं हम शरीर की वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसकी बाहें बढ़ती हैं, उसके हाथ पैर बढ़ते हैं, उसका दिमाग बढ़ता है, उसका शरीर बढ़ता है, वो छोटे से बड़ा हो जाता है। आखिर छोटे से बड़े होने की ये ताकत, ये चीज़ आती कहाँ से है? ये भी हमारे भोज्य पदार्थों से आती है। हमारे भोज्य पदार्थों में प्रोटीन इस काम के लिए सबसे प्रमुख है।
तो मैं बताऊंगा उन भोज्य पदार्थों के बारे में जिनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा होती है। इनमें प्रमुख हैं, जैसे मैंने बताया था, अंडा, मूंगफली, दालें। दालों में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा, अनाजों में दालों में सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है, इसलिए आप सबको दाल का सेवन प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा दूध, दूध में अच्छी किस्म की प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करती है, दिमाग को तंदुरुस्त करने में मदद करती है, दिमाग को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा और भी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं, जिसमें जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए मछली, कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कि काजू है, बादाम, जिसे हम बीन नट्स कहते हैं, वो अगर जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो इतने महंगे भोज्य पदार्थों का सेवन कर सकें बनने के लिए, तो उनके लिए और भी पदार्थ हैं, जैसे अंकुरित दाने, अंकुरित चने, अंकुरित जैसे ये दाल है, इस तरह की चीज़ें भी अपने उसमें सेवन कर सकते हैं। इनमें विटामिन और एंजाइम्स की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि एक तो भोजन शरीर को बढ़ने में मदद करता है, दूसरा भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, इसके अलावा भी भोजन का एक काम है, हम स्वस्थ रहें, हम बीमार न पड़ें, इसलिए भी भोजन हमारी सहायता करता है। और इसमें प्रमुख होती हैं विटामिन्स, खनिज तत्व, लौह तत्व और बहुत सारे जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्व। ये हमें हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो इस तरह के भोज्य पदार्थ जिनमें ये चीज़ पाई जाती है उनकी चर्चा मैं करूँगा। इनमें प्रमुख हैं हरी सब्जियाँ, दूध, अंडा, अंकुरित भोज्य पदार्थ, मछली, फल आदि। यानी कि आप देख रहे हैं कि जितनी तरह जब भी मैंने चाहे तो बात की हो शरीर को बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों की, या मैंने बात की हो शरीर को रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थ की, या मैंने बात की हो शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थ की, सब में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं, बहुत सारे एक जैसी हैं, जैसे कि दालें, अंडा, अंकुरित भोज्य पदार्थ। तो आपको अपने भोज्य पदार्थों में, अपने खाने में कुछ चीज़ों को अवश्य लेना चाहिए। जैसे अगर आप शाकाहारी हैं तो प्रोटीन के लिए आप ऐसे भोज्य पदार्थ लें जिनके दो टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि मूंगफली, दाल। अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए ऐसे भोज्य पदार्थ लें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जिसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है, जैसे चावल है, दूध है, अंडा है। वो पदार्थ जो शरीर को रोगों से बचाते हैं ऐसे पदार्थ अवश्य लें जिनमें हरी सब्जियां हैं और गुड़ है। गुड़ में लोहे की बहुत अच्छी मात्रा होती है जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होने पाती। तो ऐसे पदार्थों का सेवन आप अवश्य करते रहें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कम थकें, अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से बड़े हो जाएं, जल्दी से लंबे हो जाएं, तो आपको ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। यहाँ एक चीज़ बता देना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। ये पदार्थ हैं शरीर के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ। आप कहीं भी जाओ, आप लोग जिद करते हो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। कोल्ड ड्रिंक शरीर के लिए बहुत हानिकारक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। एक तो उनके बनाने का तरीका शुद्ध है कि नहीं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती। दूसरे, इनसे हड्डियों से कैल्शियम का क्षय होता है, इससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, इससे आपको बेवजह रात के वक्त पैरों में हाथों में दर्द होता है। चाय या कॉफ़ी, इनका भी अधिक मात्रा में सेवन शरीर के लिए हानिकारक है। इसके अलावा जो फास्ट फूड लेते हैं, आप कभी जाते हो, कभी आपको पिज्ज़ा चाहिए, कभी आपको बर्गर चाहिए, कभी आपको हॉट डॉग चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें भी जो आप लेते हो जिनमें मुख्यतः कैलोरीज होती हैं, ऊर्जा होती है, लेकिन शरीर को बनाने वाले पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स आदि नहीं होते, यह भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा टिंड, कुछ ऐसे फूड आते हैं जो पहले से डिब्बा बंद कर दिए जाते हैं, उनको प्रोसेस करके डिब्बा बंद कर दिया जाता है। ऐसे पदार्थों में अक्सर जो पोषक पदार्थ होते हैं वो खत्म हो जाते हैं गर्म करने से, या बहुत समय रखे रहने से कभी कभी ये खराब भी हो जाते हैं और ये शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, तो इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए।
तो एक बात मतलब मैं आपसे अंततः यह कहना चाहूंगा कि खाने में हमें तीन तरह के भोज्य पदार्थ प्रचुरता से लेने चाहिए। एक जो हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं, जो हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। अगर आप पूछें कि उन्हें आपको खाने में क्या क्या लेना चाहिए, तो संक्षेप में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने खाने में अगर शाकाहारी हैं तो दाल लें, रोटी लें, चावल लें, दूध लें, गुड़ लें, हरी सब्जियाँ लें, और अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अपने भोजन में दाल रोटी के अलावा अंडा और मांस यानी मछली ले सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि लाल रंग का मांस जो होता है उससे आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कौन सी चीज़ें आपको नहीं लेनी है ये मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपका फास्ट फूड जिसे कहते हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, हॉट डॉग्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो बनी बनाई बाज़ार में मिलती हैं, इनको नहीं लेना है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, और जो डिब्बा बंद चीज़ें आ रही हैं उनको नहीं लेना।